जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी ज़्यादा शायद वीडियो को इतनी अच्छी ना आ रही हो, लेकिन कार्गो का सामान मैंने पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया जद्दा बड़ी मार्ग से जो किया था उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी, तो अभी पहुंच चुका है यहाँ घर पर। तो मैं स्टाफ से रिसीव करूँगा, वैसे तो डोर के ऊपर भी आ जाते हैं वो, लेकिन मैंने बोला चलो स्टाफ से रिसीव कर लेते हैं। तो आपको दिखाता हूँ अगर कार्गो का सामान यहाँ पर कैसे पहुँचता है, फिर ओपन करूँगा आपको दिखाऊँगा यानी कि सही पहुँचा है नहीं पहुँचा है, प्राइस वगैरह क्या लगे थे, यहाँ पर क्या लेते हैं, मुकम्मल डिटेल आपको दिखाता हूँ। सामान पहुँच चुका है जी, मिल्टी नंबर मैंने चेक किया है, सेम वही है, तो बाइक के ऊपर ही रखूँगा अभी देखते हैं जी। तो सामान पहुँच चुका है जी, मैंने ये बाइक, वो दोस्त था एक, उसको बोला है कि यार छोड़ दे फिर, तो पीछे उसके सेट कर दिया। मुझे तो अभी बाइक चलानी नहीं आती है, मैं आप सब वो वीडियो भी शेयर करूँगा। तो बिल्टी नंबर देख ली 95152 और लाहौर के लिए था, यानी कि लाहौर से मुराद ये है कि लाहौर पाकिस्तान लाहौर, तो आगे जो भी एड्रेस था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसकी पैकिंग वगैरह तो जो मैं देख रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, गत्ते वगैरह में पैक किया हुआ था तो वैसे ही है। इसको ओपन करते हैं, जो जो कुछ मैंने इसमें भेजा था वो आपको दिखाता हूँ, और इसके अलावा कुछ सामान टूटा तो नहीं है ये भी चेक करते हैं जी। तो अभी इसको मैं काट लेता हूँ, ये पट्टी, ये जो पैकिंग की हुई ना ऊपर इन लोगों ने, ये पैकिंग का भी आपको बता दूँ, 50 रियाल इस पैकिंग के लिए हम लोगों ने। तो ये 50 रियाल बिजली के लेते हैं जी वो, अगर आप वहाँ से कार्गो करते हैं इतने मार, तो बिजली का ये सामान ऊपर ये लगाते हैं बस, ये बोरा लगा दिया, कटन लगा दिया, और हालात 50 हज़ार हम लोगों ने पैकिंग का ले लेते हैं। 60 किलो वजन था और 60 किलो में एक कार्टन लगा दिया, ऊपर ये बोरा लगा दिया, तो 50 हज़ार ले लिए पैकिंग के। उसके बाद जो इसका हिसाब है किलो का वो आपको मैं बताता हूँ। आप 1 किलो बेचते हैं तो जारी को उनकी लिमिट है ना, 20 किलो से कम नहीं आप, मैं 1 किलो के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। 275 हमसे, यानी कि 2 रियाल 75 हिला ले, 2 रियाल 75 हिला ले, 2.75 रियाल पर केजी के हिसाब से। तो उसमें 50 हज़ार बिल्टी के, जो बिल्टी के तो फिक्स हैं, पैकिंग आप घर से करके लेके आए या आप उनसे करवाएं वो एक अलग बात है। तो बिल्टी के 50 हज़ार और 50 हज़ार ये पैकिंग के। अभी सामान निकालते हैं, मैंने इसमें वो सामान डाला था ज़्यादातर जो रास्ते में ख़राब ना हो या टूटे ना। ये कंबल है नहीं तो एसी कंबल है, मैं ओपन कर लेता हूँ आपको दिखा दिया, वीडियो पूरी आ रही पीछे हो जाएगी थोड़ी, मंजे लोग चार पी में थोड़ी दिखाता हूँ जी। तो ये सामान देख लें आप, मैंने कार्गो से निकाला है, पहले आपको ये कॉटन दिखा दूँ मैं, ठीक है। इसमें ये एसी कंबल जो मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है, इसके नीचे ये कंबल बड़ा 8 किलो वाला है, ये जो कंबल आपको दिखा रहा हूँ मैं। एक चीज़ और जो मैं आपको दिखाऊँगा वो ये है जी, आपको दिखा दूँ भाई, अजवा खजूर देख लें, ये 4 किलो थी मैंने इसी में डाली हुई थी, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पर ये जायनमाज आप देख लेंगे, तो ये 17-17 रियाल के लिए हैं मैंने, वो 5 रियाल वाली मार्केट नहीं होती है उससे 17-17 रियाल के। तो ये एक चीज़ है जी, ये हॉट टाइप है, आप इसको ऊपर डालकर सर्दियों में वीडियो शेडियो बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये टिशू हैं, ये गोल्डन चम्मच हैं, ये भी 5 में हैं और ये भी 5 में हैं और देख लें ये भी 5 में है। ये परफ्यूम की जितनी वैरायटी आप देख रहे हैं ना भाई, ये सर्फ देख लें 6.5 रियाल में ये 3 डब्बे, और ये बर्तनों के लिए ये परफ्यूम की बाकी जितनी वैरायटी आप देख रहे हैं ये सारी भाई 5-5 रियाल में, ये परफ्यूम की सारी वैरायटी ये जो आप देख रहे हैं। ये कार्गो का सामान है, बिल्कुल ओके पहुँचा है, कोई किसी किस्म की चीज़ ना तो हमने टूटने वाली इसमें डाली थी और ना ही टूटी है। कंबल वगैरह रखे हुए थे सेफली, तो कांच की बोतलें ऐसी चीज़ों से, ये शैम्पू वगैरह अगर हैं तो उनको किसी गत्ते वगैरह में अलग से पैक करके डालें इसमें, यही बेस्ट है। या प्लास्टिक की बाल्टी ले लें जो रंग वाली होती है वो ले लें, वो बेस्ट है फिर।